हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, हमारी वेट गेन की सीरीज़ चल रही थी और वेट गेन की सीरीज़ के अंदर हमने समझा कि क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने वेट गेन को कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक समझा कि वेट गेन करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, और हमने एक और एपिसोड में समझा कि कैलोरी काउंट्स क्या होते हैं, जो कैलोरीज़ का गेम है वो क्या होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3000 किलो कैलोरीज़ के एक ऐसे डाइट प्लान की, जिसको अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो 3 से 4 महीने में आप अपना मनचाहा वेट गेन कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने 3 से 4 महीने कहा, क्योंकि मैं कभी भी आपके साथ में रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले जब YouTube पे बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, तो देखा कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि 7 दिन में वेट गेन करें या ऐसा करें या वैसा करें। दोस्तों, अगर आप वेट गेन 7 दिन में कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो वेट से ज़्यादा फैट होगा, और वो फैट आपको हेल्दी दिखाने की बजाय आपको बीमार दिखाएगा और आपको कई सारी बीमारियों को भी दावत देगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप डाइट जो भी ले रहे हैं वेट गेन करने के लिए, उसके साथ साथ में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये वेट गेन जो होगा ये हेल्दी नहीं होगा, और इसकी वजह से आपकी तोंद निकल आएगी। मैं वो नहीं चाहता दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आपके शरीर पर एक समान जो आपको मसल मास चाहिए वो आपको मिले। इस डाइट प्लान के अंदर मैंने ध्यान रखा है कि आपको पर डे 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक प्रोटीन भी मिले, जिससे आपका मसल मास बिल्ड हो। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसे ध्यान से सुनना और इसे फॉलो करना। दोस्तों, हमारे इस डाइट प्लान की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में। 6 से 6:30 के बीच में उठ करके आपको सबसे पहले एक एप्पल लेना है, और एप्पल के साथ में आपको एक ग्लास दूध लेना है। एक ग्लास दूध जो आप ले रहे हैं ये टोंड नहीं होना चाहिए, ये मलाई के साथ होना चाहिए, जिससे कि आपको जो फैट है, जो हेल्दी फैट है, वो भी मिल सके। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं और आप एग नॉग ले सकते हैं तो आप एग नॉग ले लें। एग नॉग कैसे बनाया जाता है? दो अंडों का आपको होल पार्ट लेना है, जिसमें वाइट भी होगा और येलो भी होगा। उसे एक ग्लास दूध के साथ डाल करके आप उसमें ब्लेंडर चला लेंगे तो एक स्मूदी जैसा तैयार हो जाएगा, जिसे एग नॉग कहा जाता है। और ये एग नॉग अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेते हैं तो आपको मसल्स गेन करने में आपकी बहुत सारी मदद करता है। दोस्तों, अगला जो आता है हमारा हिस्सा इस डाइट प्लान का, वो आता है हमारा ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ब्रेकफास्ट हमारी डाइट का एक अभिन्न हिस्सा होता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपको दिन भर के में काम करने के लिए एनर्जी देता है। और ये कहा भी गया है कि जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो होना चाहिए एकदम राजाओं की तरह। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, इन 4ों में से कोई भी आप एक फॉलो कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको पहला जो ऑप्शन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं वेज पराठा या पनीर स्टफ पराठा आप ले सकते हैं। साथ के साथ 1 कप आप दही ज़रूर लें, जिससे कि आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका जो डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। दूसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो आता है मसाला डोसा विद चटनी। इसमें आप 2 मसाला डोसा जो मीडियम साइज़ के होंगे, साथ में सांभर और 2 चम्मच चटनी आप ले सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो आता है मूंग दाल चीला। इससे आपको प्रोटीन की पूरी होगी जो ज़रूरत है, और साथ के साथ में आपका पनीर भी आप इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो आता है 3 eggs का आप एक ऑमलेट बना सकते हैं, जिसको 4 ब्रेड के स्लाइसेस में आप कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नॉर्मली बहुत सारे लोग सीधा लंच करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम वेट गेन की सीरीज़ में चल रहे हैं तो हमें बार बार छोटे छोटे गैप में छोटे छोटे मील्स लेने पड़ेंगे, जिससे हम हेल्दी वेट गेन कर पाएँ। तो अगर आपने 9 बजे नाश्ता कर लिया है तो लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच में आपको ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं 1 मुट्ठी। अगर आपके यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं तो रोस्टेड सोयाबीन आजकल बहुत इजीली मार्केट में मिलता है, जिसके अंदर प्रोटीन और ईस्ट्रोजन इन दोनों की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत अच्छा हेल्दी वेट गेन करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसे 1 मुट्ठी आप ले सकते हैं। इसके साथ के साथ अगर आप चाहें तो 1 ग्लास लस्सी या 1 ग्लास आपका बटर मिल्क या छाछ आप ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों लंच की। लंच आपको 1:30 बजे तक किसी भी हालत में कर लेना है। लंच के अंदर आपको स्प्राउटेड
जो आपके बीन्स होते हैं वो एक बाउल ज़रूर लेना है। इसके साथ में अगर आप चाहें तो नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप आप ले सकते हैं। इसके अलावा दो मीडियम साइज़ की चपाती जिनमें घी लगा हुआ होगा, एक बाउल आपका सीजनल वेजिटेबल्स का जिसके अंदर जो भी सीज़न में आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। दाल का एक बाउल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इस डाइट के अंदर। एक कटोरी आप चावल लेंगे, दही लेना ज़रूरी है और सैलड ज़रूर कंज्यूम करेंगे। इसमें जो वेट गेन करने में जो आपकी हेल्प करेगा दोस्तों वो करेगा आपका जो आपने स्प्राउटेड्स लिए हैं एक बाउल, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो दो पीस आप चिकन के भी ले सकते हैं जो मीडियम साइज़ के होंगे। इसके बाद में लगभग 4 बजे आपको चाय, कॉफ़ी, दूध, ग्रीन टी जो भी लेने का मन करता है वो आप ले सकते हैं। और साथ के साथ में इसके अलावा आप ओट्स के कुकीज़ आजकल मार्केट में मिलते हैं उन्हें ज़रूर कंज्यूम करें, ये दो कुकीज़ आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अगले मील पर आएँ तो अगला मील होता है आपका इवनिंग मील, जो थोड़ा लेट इवनिंग मील होगा जो आपको लगभग 6:30 बजे के कंज्यूम करना है। इसके अंदर आप लेंगे आपका कोई भी सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल का जूस जो आपको हेल्प करेगा आपके वेट गेन करने के साथ साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की जो डिफिशेंसी है उसको पूरा करने में, जिससे आप हेल्दी वेट गेन कर पाएंगे। दोस्तों लास्ट बारी आती है हमारे डिनर की। डिनर हमें बिल्कुल लंच की तरह ही रखना है, लेकिन लंच जिस तरह से हमने दो चपाती के साथ किया था हमें यहाँ पर एक चपाती कंज्यूम करनी है और जो चावल है वो ज़रूर कंज्यूम करने हैं। वाइट राइस आपको मदद करते हैं आपके मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा सा अच्छा करने में और साथ के साथ में आपको वेट गेन करने में भी वो मदद करते हैं। लास्ट में जब आपने डिनर कर लिया है तो लगभग 10:30 बजे के आसपास आप एक ग्लास दूध ज़रूर लें और उस दूध के साथ में 5 से 6 बादाम जो आपने पानी में सोख करके रखे होंगे वो ज़रूर कंज्यूम करें। ये रात भर आपकी बॉडी को एनर्जी देते रहेंगे और आपकी बॉडी में वेट गेन करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों ये तो थी हमारी टोटल डाइट जिसे हमें फॉलो करना है, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ साथ एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, जिसको हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर जो हमारा वेट गेन प्रोसेस है वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। दोस्तों हेल्दी नहीं होगा तो वो तोंद की तरह बाहर दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर जो असमानता है कहीं पर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना और कहीं पर नहीं बढ़ना वो दिखाई देगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, साथ के साथ में उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।